लेवल्स पे उनको जीतने का मौका हर समय दिया जाता है तुम जीतो तुम जीतो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्यों बच्चे गेम खेलना चाहते हैं तो उनको ये कीमत नहीं पता चलती है कि पढ़ाई उन्हें क्यों करने के लिए बोला जा रहा है आप इतने इतना ज्यादा उसके पीछे खर्च उसके पीछे मेहनत उसको सुबह ले जाना लाना करना ये वो सब क्यों कर रहे हो वो उन्हें नहीं पता चलता है ठीक है तो उनको हम अलग तरीके से लेकर के आगे बढ़ सकते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के मोटिवेशन देने पड़ते हैं हमें गेम वाले क्या करते हैं क्यों उन्हें गेम खेलने में मजा आता है हमें वो चीजें फॉलो करनी है हमारा थॉट चेंज करना पड़ेगा ठीक है आप अगर सोच रहे हो कि उन्हें डॉक्टर इंजीनियर के सपने दिखाएं क्योंकि हम नहीं कर पाए तो हम उन्हें बनाएं तो वो नहीं पढ़ेंगे भले आप माइंड में थॉट रखो आपको बनाना है यस लेकिन आप उनको वो सपने दिखा करके आगे नहीं बढ़ा सकते हो खास करके जब ब, जब तक बच्चे तेरह चौदह साल के नहीं हो जाते हैं ठीक है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा है वो नहीं समझते हैं बट उनको इतना पता है कि गेम खेलना और टीवी देखने में बहुत मजा आता है हमको यही करना है सारे बच्चे यही चाहते हैं कि हमें गेम खेलना है टीवी देखना है अब उसका रीजन बताते हो आप ध्यान से समझिएगा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्यों बच्चे गेम खेलना चाहते हैं बच्चे गेम इसलिए खेलना चाहते हैं क्योंकि गेम में उनको कोई भी टाइप की थ्रेटनिंग नहीं मिलती है कि उसको डांटा नहीं जाता उनको मारा नहीं जाता पहली बात उनसे क्या होता है कि उनके माइंड में से डोपामाइन रिलीज होता है हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है उनको खुशी होती है और वो काम वो करते रहना चाहते हैं जिस काम में जिस पर जिस पर्सन को खुशी मिलती है वो करते रहना चाहते हैं अब वो खुशी क्रिएट करने के लिए वो ऐसा क्या करते हैं जो बच्चे गेम में लगे रहते हैं सबसे पहली चीज वो ईजी स्टेप से स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको इजी चीज से स्टार्ट करना है तो बच्चे को लेवल वन देंगे लेवल वन से लेके टेंथ ट्वेंटी तक लेवल एकदम इजी होता है गेम का एकदम इजी इजी लेवल्स देंगे और फिर उसको हार्ड लेवल की तरफ लेके जाएंगे इजी लेवल्स पे उनको जीतने का मौका हर समय दिया जाता है तुम जीतो तुम जीतो तुम आगे बढ़ो तुम जीतो तुम आगे बढ़ो ठीक है उसका उसके पीछे उनका क्या इंटेंशन है बच्चे इसमें पहले तो उनका जो भी इंटरनेट यूज हो रहा है या फिर उनके जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह है वो सब देखते रहे वो लोग उसके साथ में उनको वो छोटे छोटे गिफ्ट देते जाते हैं छोटे छोटे गिफ्ट्स मतलब कि कभी कॉइन मिल रहा है कभी बार मिल रहा है कभी पॉइंट्स मिल रहा है इससे क्या होता है उनको खुशी होती है मैंने जीता मैंने जीता मैंने जीता और उसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग के लेवल बहुत इजी है वो बहुत इजीली वो जीत पा रहे हैं चीजें वो क्या होता है कि वो आगे के लेवल के लिए और ट्राई करते जाते हैं कि मेरे पास 200 हंड्रेड जमा हो गए अब मैं थोड़ी और मेहनत करूं और फिर उसके बाद और पॉइंट जमा करूं तो मजा आएगा तो उसमें वो लगे रहते हैं गेम का लेवल क्लियर करने के लिए तो पहले चीज क्या थी कि उनको इजी चीज दी गई और दूसरी चीज क्या थी कि उनको मोटिवेट करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी गई ताकि वो आगे हार्ड लेवल पर भी मेहनत करते रहें फिर जब बच्चों का हार्ड लेवल आता है ना तभी भी वो इतनी ही मेहनत करते हैं जितने उन्होंने फर्स्ट लेवल पे किया और उससे और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं क्यों क्योंकि जो उन्होंने 200 हंड्रेड क्वाइंस जमा किए हैं ना उससे भी ज्यादा क्वेंस वो जमा करना चाहते हैं वो जीत की खुशी हासिल करना चाहते हैं इसलिए वो आगे भी खेलते रहना चाहते हैं ठीक है कोई भी गेम से निकल करके ऐसा नहीं बोलता है कि तुम ये हार गए हो तो तुमको नहीं खेलने देंगे आगे कोई बात नहीं है तुम ये गिफ्ट ले लो तुम ये ले लो तुम वो ले लो तुम थोड़ी और लाइफ ले लो बट तुम खेलते रहो बट हम क्या करते हैं बच्चे को हमेशा डराते रहते हैं कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे तो क्या होगा तुम पढ़ाई नहीं कर रहे तुमको ये नहीं आ रहा तुमको वो नहीं आ रहा तो बच्चा नहीं पढ़ता है इसीलिए नहीं पढ़ता है बट गेम वाले आराम से अपने आप में बिजी रखे आप सब कुछ कर रहे हो उनके लिए हर चीजें दे रहे हो उनको लेकिन वो क्या करते हैं गेम में लगे हुए हैं जो उनको कुछ नहीं दे रहा है क्या दे रहा है एक छोटा सा रिवॉर्ड है पॉइंट है ये है वो है और फालतू का उनको बिजी रख रहा है उनका टाइम वेस्ट कर रहा है आप सब दे रहे हो फिर भी नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है गेम वाले जो कर रहे हैं वही करना है मारोगे तभी भी नहीं हम पढ़ेंगे तो बिना मारे ही पढ़ा लो ठीक है तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है टीवी में भी यही होता है उनको एंटरटेनमेंट आता है उनको कोई कुछ काम करने नहीं बोल रहा है और जो अच्छी अच्छी चीजें होती है टीवी से भी ज्यादा बच्चे गेम में इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट रिलीज होता रहता है उसके अंदर ठीक है और फिर और आगे के लेवल पर आप देखोगे तो उसमें से उनका एक्चुअल गोल होता है कि बच्चे हार्डेस्ट लेवल पर पहुंच करके अटक जाए रुक जाए और वहां उनको बोला जाता है कि अब तुम पैसे खर्च करो अब पेरेंट्स पेरेंट्स को जाके बोलते हैं कि पापा मेरा थोड़ा सा रिचार्ज करा दो ना गेम का रिचार्ज करा दो ना मुझे ये क्वाइन चाहिए मुझे ये लेवल जीतना है उसके लिए एक्चुअल गोल उनका वो होता है ठीक है इसीलिए वो उनको छोटी छोटी चीजों से दे करके मोटिवेट करते रहते हैं तो हमें भी इसी तरह की चीज गेमिफाई करके बच्चों को करवानी है तो बच्चे बहुत तरीक, सही तरीके से कर पाएंगे